कृष्णनगर नाम का एक छोटा सा गांव था, जिसमें जगदीश नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम दिव्या था। दिव्या जब बहुत छोटी सी थी तभी उसकी माँ भगवान को प्यारी हो गई थी, लेकिन उसका पिता उससे बहुत प्यार करता था। दिव्या को कभी उसकी माँ की कमी महसूस नहीं होने देता था। जगदीश ने दिव्या को इंटरमीडिएट तक पढ़ाया था और उसके बाद दिव्या ने एक कपड़ों की दुकान में सेल्स गर्ल का काम करना शुरू किया था। लेकिन जितना भी वो लोग कमाते थे उसमें बहुत खुश होकर जिया करते थे। ऐसे ही 3 साल गुजर गए थे। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम, कहिए आप क्या देखना पसंद करेंगे? हाँ, मुझे ना कोई बढ़िया सी बनारस की साड़ी दिखा देना, चाहे उसका दाम ज्यादा ही क्यों ना हो, कोई फिक्र की बात नहीं, अच्छी साड़ी बताना। अरे भाग्यवान, इतनी महंगी साड़ी उनके लिए क्यों खरीद रही हो? वो हमारे बहुत दूर के रिश्तेदार है ना, बस उन्होंने हमें शादी पे बुलाया था, अब उनके लिए इतनी महंगी साड़ी खरीदने की क्या जरूरत है? अरे आपसे ये किसने कहा कि मैं साड़ी उनके लिए खरीद रही हूँ? ये साड़ी तो मेरे लिए है। जब मैं शादी में जाऊंगी तो सबसे बेहतर मुझे लगना पड़ेगा ना? हाँ, तभी तो मैं सोच रहा था। अच्छा ठीक है, जल्दी करो। इस तरह मनोरमा बहुत देर तक कपड़े देखती रही और दिव्या भी चुपचाप उसको बहुत सारे कपड़े दिखाए जा रही थी। वो बिल्कुल तंग नहीं हो रही थी। ऐसे ही 3 घंटे गुजर गए थे। मनोरमा के साथ उसका बेटा अजय भी वहां आया हुआ था और बहुत देर से वो ऐसे ही दिव्या को देखा जा रहा था। बहुत देर कपड़े देखने के बाद मनोरमा ने एक साड़ी पसंद की थी। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम दिव्या है सर। बेटी दिव्या, तुम्हारे अंदर सहन शक्ति तो बहुत ज्यादा है, तुमसे मिलके अच्छा लगा बेटी। जब सारे लोग घर पहुंच जाते हैं तब अजय उनसे कहता है कि उसको दिव्या बहुत अच्छी लगी और वो उससे शादी करना चाहता है। अरे अजय, ये तू क्या बक रहा है? तू पागल तो नहीं हो गया ना? अरे थोड़ी सी सुंदर क्या थी वो लड़की, तू तो उससे शादी करने चला है। एक कपड़ों की दुकान में कपड़े बेचने वाली लड़की से तो शादी करेगा? तूने कभी सोचा है कि हमने कितनी मेहनत करके एक एक रुपया जमा किया था और इतना पैसा आज हमारे पास है, और अब तू एक ऐसी गरीब लड़की से शादी करेगा तो वो तो हमारा सारा पैसा, सारा सुख शांति सब छीन लेगी और खुद मजे उड़ाएगी। माँ, अगर पैसा नहीं होगा तो क्या हुआ, वो भी तो हमारी तरह इंसान ही है ना, और बड़प्पन पैसों से नहीं आता है माँ, वो तो दिल से आता है, और मुझे लगता है कि असली रईस दिल वाले ही होते हैं। पापा, आप ऐसे चुप क्यों बैठे हैं, कुछ तो कहिए। हाँ अजय, जो कुछ कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है। क्या क्या कहा आपने, दोबारा कहिए, मैंने सुना नहीं। अरे भाग्यवान, मैं बस यही कह रहा था कि जो भी तुम कह रही हो वो बिल्कुल सही है। अजय, जैसा तेरी माँ कह रही है वैसे ही कर देना। अजय ने पूरी कोशिश की थी कि मनोरमा इस शादी से राजी हो जाए, लेकिन मनोरमा बहुत कुछ करने के बाद भी इस शादी के लिए राजी नहीं हो रही थी। फिर एक दिन अजय ने उसकी माँ मनोरमा को ये कहकर बहुत डरा दिया था कि अगर वो इस शादी के लिए हाँ नहीं करेगी तो वो नींद की गोलियां खा लेगा और अपनी जान दे देगा। अब मनोरमा कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि उसका इकलौता बेटा था, इसके लिए वो मजबूर होकर इस शादी के लिए हाँ कह देती है। फिर दूसरे दिन मनोरमा और उसके परिवार वाले मिलकर जगदीश के घर पहुंच जाते हैं। देखिए साहब, आप लोग बहुत बड़े लोग हो और आपका दिल भी बहुत बड़ा है, जो कि आप मेरी बेटी का रिश्ता मांगने के लिए यहाँ आ गए, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं आपके घर से रिश्ता जोड़ूं। हाँ,
मैं भी तो मेरे बेटे से यही। अरे वो सब आप मत सोचिए, वैसे भी आजकल के दिनों में ये सब कौन देख रहा है। हमें बस आपकी बेटी बहुत पसंद आ गई थी, और रही बात पैसों की और जायदाद की, ये तो हमारे पास बहुत सारा है, क्या ये काफी नहीं है? रहने दीजिए, मेरे बेटे ने इरादा कर लिया है कि वो आप ही की लड़की से शादी करेगा। अब कोई अच्छा मुहूर्त देख के हम शादी की डेट फिक्स कर देंगे, ठीक है ना अभी बेटा? हाँ माँ, बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है। फिर तो मैं अपनी बेटी दिव्या से भी पूछकर आपको बता दूंगा। अरे हाँ हाँ, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, जितना समय या कहूँ जितने दिन आपको चाहिए आप ले लीजिए। खूब सोच समझकर हमको जवाब देना, लड़की की पसंद भी तो जानना जरूरी है ना? अरे पापा जी, अब इसमें इतना सोचने की क्या जरूरत है? पापा जी, पापा जी, अभी आप चले जाइए और अपनी बेटी से बात कीजिए। कोई जल्दी नहीं है पापा जी, आप आराम से बात कर लेना, तब तक हम आपका यहीं पर वेट करेंगे। मुझे तो लगता है कि इससे इंतजार बिल्कुल नहीं हो रहा है। ठीक है बेटा। बेटी दिव्या, वो लोग बहुत बड़े घराने के लोग हैं और तुम्हारे लिए ढूंढते हुए यहाँ तक आए हैं। देखने से तो बहुत अच्छा परिवार लग रहा है बेटी, लेकिन अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं तुम्हारी शादी नहीं करूंगा बेटी। अगर तुम्हें वो लड़का और ये रिश्ता पसंद हो तो कह देना। हाँ पिताजी, मुझे भी ये रिश्ता पसंद आया। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी, मैं अभी जाकर उन लोगों से कह देता हूँ। पिताजी एक मिनट, अगर मैं शादी करके चली जाऊंगी तो आप अकेले पड़ जाओगे ना? आपका ख्याल कौन रखेगा? आपको सुबह सुबह कॉफी बनाकर कौन देगा? और आपके लिए खाना कौन बनाएगा? मुझे नहीं पता कि मेरी माँ कैसे थी, लेकिन आपने मुझे कभी माँ की कमी महसूस होने ही नहीं दी। अब आपके लिए जो कुछ भी हो सब मैं ही हूँ ना पिताजी। अगर मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी तो आप कैसे रह पाओगे? पिताजी आपसे एक बात पूछूं? दिव्या फिफ्थ डायलॉग। पहले कहिए कि आप सब सच कहेंगे, आपको मेरी कसम। दिव्या सिक्स्थ डायलॉग। पिताजी मेरे बगैर मुझे देखे, मुझसे बिना बातें किए क्या आप रह पाओगे? हाँ बेटी बोलो ना। पहले कहिए कि आप सब सच कहेंगे, आपको मेरी कसम। अरे बेटी ये कैसी बातें कर रही हो तुम, ऐसा नहीं कहते हैं बेटी। ठीक है पूछो जो तुम्हें पूछना है। पिताजी मेरे बगैर मुझे देखे, मुझसे बिना बातें किए क्या आप रह पाओगे? हाँ बेटी, शायद मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा और कौन है बेटी। तुम मेरी सब कुछ हो बेटी, तुम मेरी पूरी दुनिया हो। जब तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मेरी सारी दुनिया अंधेरी हो जाएगी बेटी। लेकिन तुम्हें किसी के घर का दिया जलाना है ना? मैं बहुत खुश हो जाऊंगा कि मेरी बेटी को इतना अच्छा परिवार मिला है जो कि उससे बहुत प्यार करता है। अगर तेरी माँ जिंदा होती बेटी तो आज बहुत खुश होती थी, और तेरी माँ भी तो किसी के घर से ऐसे ही शादी करके आई होगी ना। यही तो दुनिया की रीत है बेटी, हर बेटी को उसका घर छोड़ के दूसरे घर जाना ही पड़ता है। वैसे कहूँ तो आज मैं बहुत खुश हूँ बेटी, बहुत ज्यादा। और वैसे भी तो बहुत दूर भी तो नहीं जा रही है ना, पास ही का गांव है, 1 घंटे का सफर है। जैसे ही मुझे फोन करके बुला लेगी मैं बस 1 घंटे में तेरे पास पहुंच जाऊंगा। मेरी बात मानो मेरी बच्ची, और ज्यादा सोचो मत, ठीक है? ये बहुत अच्छा रिश्ता है और भगवान तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। अब मैं जाकर उन लोगों को ये अच्छी खबर दे देता हूँ।
आप सारे लोगों से मैं माफी चाहता हूँ, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही समय ले लिया। अरे पापा जी, इसमें माफी मांगने की क्या जरूरत है, अब इतना समय तो लगेगा ही ना। अरे अजय बेटा, तू थोड़ी देर के लिए चुप हो जा, बहुत जल्दी पड़ी है तुझे तो। तेरा बस चले तो तू ये भी कह देगा कि अभी के अभी शादी करके लड़की को यहाँ से ले जाएंगे। अरे नहीं माँ, अब आज के आज मैं शादी करूंगा तो शायद अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, मुझे और मेरी बेटी को ये रिश्ता पसंद है। मेरे पास 1 एकड़ का खेत है और ये छोटा सा घर और 2 भैंस भी है। ये सारी की सारी चीजें मैं दहेज में आप लोगों को दे दूंगा और शादी के खर्च का जो पैसा लगेगा, इसके लिए आप अगर कृपा करके मुझे थोड़ा सा समय दे देंगे तो मैं गांव वालों से पैसा उधार लेके शादी कर दूंगा। पापा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? हमारे रहते पर आप दूसरे लोगों के पास पैसा उधार लेंगे? ऐसा बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है पापा जी। जितना भी शादी के लिए खर्च होगा सारा का सारा हम कर लेंगे। आपको इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप बस हमें आशीर्वाद दे दीजिएगा। अरे ये बेवकूफ लड़का क्या क्या बोले जा रहा है, एक पल के लिए भी कुछ सोचता समझता नहीं है। अजय के मन ही मन लड्डू फूट रहे थे और उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन मनोरमा का दिल बैठा जा रहा था। वो मन ही मन बहुत परेशान हो रही थी। अब अजय की जिंदगी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए इसका अगला भाग जरूर देखना।